नाव की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले नमस्कार जी सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय चाहूँगा। जी मेरा नाम महिपाल कटारिया है और मैं जयपुर से हूँ जी, और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ यहाँ का जी, और यहाँ के आर्टिस्टों को भी देखता करता हूँ जी। तो ये कमी तो सबसे पहले ये लगती है कि यहाँ के आर्टिस्ट की पहचान नहीं है। और सबसे पहले मैं नारायण जी सर का धन्यवाद देना चाहूँगा जो राजस्थानी कलाकारों को मौका दे। आज राजस्थान के कलाकारों को अगर आप देखा जाए, राजस्थान को देखा जाए, तो राजस्थान के कलाकार, राजस्थान की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, ये पूरी दुनिया में मशहूर है जी सर। लेकिन एक राजस्थानी की राजस्थान में पहचान नहीं है जी। और ये एक बहुत बड़ा कदम है कि हम राजस्थानी कलाकारों को यहाँ की कहानी पे, यहाँ के माहौल पे शूटिंग कर रहे हैं और राजस्थानी कलाकारों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जी सर। आज आप कहीं बॉलीवुड में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह राजस्थानी कलाकार का बोलबाला है, लेकिन उसकी पहचान राजस्थान में नहीं है। आज बड़ी से बड़ी यूनिट राजस्थान में आती है शूटिंग करने। राजस्थान अपने आप में एक फिल्म सिटी है, राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ही राजस्थानी कलाकार आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हमारी कोशिश तो ये है कि राजस्थानी कलाकार सारे आगे बढ़े, सबको अच्छा मौका मिले, आगे अच्छे मुकाम पर जाए। पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मैं कह रहे सीनियर आर्टिस्ट जो हमारे हैं, कलाकार हैं, सिद्धि जी सर जी हैं, अंजलि मैडम जी हैं, ये सबका सहयोग है, सब साथ काम कर रहे हैं, फैमिली जैसे ऐसा कुछ है जी। सर आप फिल्म से ज़्यादा तो पहलवानी में भी जाने जाते हैं खूब, इसका क्या रीज़न है कि आप पहलवानी छोड़ के फिल्मों में आने आए? एक्चुअली मैं ये बात हूँ, मैं प्रोफेशनली पहले एक्टर ही हूँ जी, मैंने डिप्लोमा वगैरह इसमें किया हुआ है जी, बॉम्बे एक्टिंग डांस फाइटिंग का डिप्लोमा किया हुआ है जी सर। और एक्सरसाइज मेरा बचपन से शौक रहा है, और जहाँ तक मुझे याद है साथ राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो फिल्मों में होते हुए, सीरियल्स करते हुए बाद में स्पोर्ट्स लाइन में गया जी। मैं मिस्टर जयपुर बना, मिस्टर राजस्थान बना, मिस्टर क्लासिक बना, मिस्टर चैंपियंस ऑफ चैंपियन बना, और साहिल खान जी के साथ, रणविजय सिंह, तरुण गिल जी इनके साथ मैंने यहीं पर इसी गार्डन में जी फिटनेस लीग ऑफ इंडिया खेला। तो ये मेरा जो शौक था मैंने इसको आगे बढ़ाया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। इनसे पहले कौन कौन सी फिल्मों में हमने कार्य किया सर? अभी कुछ समय पहले ही मैंने भी एक ये राजस्थानी सब्जेक्ट मूवी की थी, हिंदी मूवी है टाइगर ऑफ राजस्थान जी, जिसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उससे पहले मैं आमारी कालदेरी की और मूवी कर चुका, मैं सीरियल कर चुका सतरंगी लहरी हो, जय श्री जीण माता जिसमें मेन कैरेक्टर मेरा ही था, जो हर्ष देव होते हैं बाद में भैरू जी बनते हैं, और सतरंगी लहरी वगैरह जो कई सीरियल्स वगैरह है, एल्बम है, बहुत से कुछ किया मैंने। सर जो प्रेम रंग की जो फिल्म बन रही है इसको लेकर आप लोगों में किस हिसाब से प्रेम भाव देखना चाहेंगे? प्रेम भाव तो ये है कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है समाज में, क्या हो रहा है, हम क्या सोचते हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इसमें बखूबी दिखाई गई।